It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging grid contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your rating. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's the... So very good evening to all guys. Good evening. So my dear friend, a very good evening to all. Hello, salam, namaste, adab, sat sri akal. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आलोक झा, आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस बेहतरीन. Yes, and this is the last class of the machine design for UPPSC A aspirants, and this is the last minute revision with questions, guys. And हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए मशीन डिजाइन के, तो हमारे अब कुछ ही टॉपिक्स रह रहे हैं गाइज, तो गाइज हम उन्हें भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. एंड मशीन डिजाइन इज अ प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन. सो गाइज आप जल्दी से जल्दी प्लीज ज्वाइन हो जाइए सेशन को, और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए. और अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. एंड वेलकम टू अनअकैडमी गेट एमपीआईएक्सई. बिल्कुल, और सेशन को शेयर जरूर करिए, और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर ठोकिए. ओके, सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. एंड गाइज, मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो सा गाइज 4 times गेट टॉप रैंकर, एमटेक फ्रॉम आईआईटी एंड 8+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस. बिफोर स्टार्टिंग दिस गाइज, मैंने आपको बता रखा है कि यूपीपीएससी एई में मैं आपको इन चार सब्जेक्ट के ऊपर डील कर रहा हूँ, तो आप ये चार सब्जेक्ट जो है आप देख पा रहे हो गए अच्छे से. सो गाइज, आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा होगा, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ये चार सब्जेक्ट के साथ मैं डील कर रहा हूँ. गुड इवनिंग टू ऑल गाइज. गुड इवनिंग मदन, गुड इवनिंग टू ऑल. चलो, सो नाउ माई डियर फ्रेंड, वी विल स्टार्ट दिस सेशन. एंड गाइज, अगर मैं बताना चाहूँ, आलोक लाइव जो आप ऊपर देख रहे होंगे, आलोक लाइव इज अ रेफरल कोड टू गेट अ 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. माई डियर फ्रेंड, एक चीज और बताना चाहूंगा, देयर इज सम इंफॉर्मेशन टू ऑल गाइज, कि अनअकैडमी का अगर मैं बात करना चाहूँ मेरे प्यारे भाइयों, तो अनअकैडमी का एक कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों. कॉम्बैट एक आपका लाइव क्विज टेस्ट है गेट एंड ईएससी के स्टूडेंट्स के लिए. अगर आपने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए. इनरोलमेंट फ्री है माई डियर, एंड कुछ नहीं करना है, सीधा उसमें जाना है आपको. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है. देन उसके बाद चूज करिए अपना गोल, गेट एंड ईएससी. देन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, गेट ईएससी गोल चूज करने के बाद, इसके बाद आपको टेस्ट सेक्शन में जाना है और वहां अपने आपको इनरोल करना है. बिल्कुल, कॉम्बैट टेस्ट में आप जब इनरोल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो वहां आपसे इन्वाइट कोड मांगा जाएगा, दैट इज आलोक लाइव. अगर आप इसके अंदर विनर रहते हो माई डियर फ्रेंड, तो आप देख सकते हो, फर्स्ट विनर को मिलेगा एप्पल मैकबुक, सेकेंड को मिलेगा एप्पल आईपैड, एंड थर्ड को मिलेगा एप्पल आईफोन. गाइस सी दिस, टॉप 100 जो होंगे ₹1000 तक के अपने इस अमेज़न वाउचर के साथ बिल्कुल कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों. एंड वी विल स्टार्ट दिस, क्योंकि यूजिंग दिस इनरोल योर सेल्फ बाय यूजिंग द कोड आलोक लाइव. ओके गाइस, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, सर्च आलोक झा और आलोक लाइव. राम राम. ओ अक्षय, थैंक यू अक्षय. नाउ फॉलो मी गाइज, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं गाइज.
एंड आप जब भी मुझे यहाँ फॉलो करेंगे तो एक मैसेज का बटन आएगा, यू कैन मैसेज मी. अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनी पीएसयू एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना, किसी भी डाउट टाइप का डाउट हो रिगार्डिंग प्लस सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. एंड हियर द गाइस, हियर द golden chance to all of you guys, get previous year questions in a free of cost, free special session. So you can go through this tinyurl.com/gatepyq. So 2011 and to 2020, 10 year gate paper maine yahan discuss kiya hai. So you can go through this. Ek exam ko nikalne ke liye 10 saal ka paper kafi hoga. tinyurl.com/gatepyq. So guys, are you ready? Oh, Akshay says Alok Live is a brand. Thank you, Akshay. Thank you. Now, so guys, are you ready for this session? This is a very, 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 very crucial session, guys. बहुत ही important और बहुत ही बेहतरीन session होने वाला है. Now, today we will discuss design of clutch and we have a more and more number questions to the design of clutch. And then we can discuss the shaft key coupling. My dear friend, you can see with this, इस shaft key coupling जब हम discuss करेंगे, ठीक है ना, देन क्लच. तो दिस इज द मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन. सो आज ये दो टॉपिक कंप्लीट करना है, यही दो टॉपिक रह गया है. सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन. या सो ऑल आर रेडी गाइज. वेरी गुड. चलो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज पॉजिटिव टाइप. कम ऑन गाइज, you can see this and give me the answer. Which of the clutch is positive type? Come on guys. Now, give me the answer guys. कौन सा क्लच पॉजिटिव टाइप क्लच है? फटाफट आंसर करो. कौन सा क्लच पॉजिटिव टाइप क्लच है? Which of the following clutches is positive type? Which of the following clutches positive type? Very good. Jaw clutch is the positive type. Very good. Sushang, very good. Very good, Akshay. Very good, Madan. Very good, dear. You can see this positive type clutch. There is a two type of clutch, positive type or negative clutch. So guys, your positive type clutch is a cone clutch. Is a jaw clutch. Single jaw clutch, spiral jaw clutch or saw clutch. ठीक है ना, सॉ टीथ क्लच ऐसा होता है जॉ क्लच. सो यू कैन सी दिस, जो जॉ क्लच होता है ना उसके अंदर क्या निकला होता है, जॉ निकले होते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए. देयर इज अ नो पावर ट्रांसमिशन, नो पावर लॉस गाइस. जॉ क्लच में कोई पावर लॉस नहीं होता. एंड रिमेन्स कोन क्लच, डिस्क क्लच, सेंटरबल क्लच और आर नेगेटिव क्लच. यहाँ क्या होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, सारा का सारा नेगेटिव क्लच होता है. नाउ यू हैव अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एसर्शन एंड रीजन. यू कैन सी विद दिस. सो गाइस, यूपीपीएससी एई का एग्जाम है. यूपीपीएससी एई के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एसर्शन रीजन भी इंटर कर सकता है. सो आप सरप्राइज मत होना यूपीपीएससी एई के एग्जाम में. तो आप प्लीज इस चीज को देखिए और ध्यान से जुड़े रहिए. ओके, सो एसर्शन एंड रीजन, मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको पहले वो लाइन पढ़ना है जो छोटा है. तो रीजन है वेरी वेरी स्मॉल. A clutch can be frequently engaged and disengaged at the operator's will. Very good. Now the assertion is, a clutch is the best mean to connect a driving shaft with a driven shaft for regular power transmission. Okay. So which one is the answer, guys? कौन सा आंसर होगा? फटाफट मुझे बताओ. Which one is the answer? Hello, Amrish. I'm fine, Amrish. Which one is the answer, guys? Yeah, 2 का A कह रहे हैं, बिल्कुल 2 का B कह रहे हैं. अच्छा, चलो. So guys, मैं आपको बता दूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा. हाँ, क्लच एक ऐसा अरेंजमेंट है, दिस इज द बेस्ट कनेक्शन टू ए ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट के जोड़कर इसको रेगुलर पावर ट्रांसमिट कराने के लिए क्लच एक बेहतरीन डिवाइस है. और क्लच ए को फ्रिक्वेंटली इंगेज और डिसंगेज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना.
So my dear friend, you can see this Dixengate Edge operator will. Operator जब चाहे तब कर सकता है, ठीक ना? So the option number A is right because both are true and R is R is correct explanation of it. R is not a correct explanation of it. Okay. Both are different. मतलब ये दोनों अलग-अलग सत्य हैं, लेकिन इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है. Okay? इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बोथ आर ट्रू, ठीक है ना? आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो रीजन इज नॉट, बट एसर्शन रीजन आर ट्रू. ओके, वेरी गुड. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द प्लेट क्लच आर 50 mm एंड 100 mm रेस्पेक्टिवली. देयर इज अ इनर एंड आउटर रेडियस. There is an inner radius I have 50 mm and outer radius is 100 mm. What is the ratio of maximum intensity of pressure to the maximum intensity of pressure on the clutch plate? If the magnitude of the axial force is 4 kN, guys, what is the answer? Come on, give me the answer. Give me the answer. Very good. Jaldi karo. You can see with this. Batao. Guys, give me the answer. What is the answer? आपको पता है ना प्रेशर का रिलेशन है रेडियस से. हाँ, PR is equal to constant. Very good. So what is the answer? Very good, Akshay. 2 is the right answer. So guys, you can see this P into R is constant. So guys, यहाँ से हमें समझ में आता है pressure और radius का multiplication constant के बराबर है. So pressure is inversely proportional to radius. So my dear friend, you can see with this कि अगर आप इसे करोगे तो P1 upon, जैसे आप यहाँ question कह रहा है, P1 upon P2 करोगे तो ये हो जाएगा R2 upon R1, ठीक है ना? अगर मैं मानता हूं 1 इज द इनर एंड 2 इज द आउटर, ओके, इनर अपॉन आउटर इज इक्वल टू आउटर अपॉन इनर, सो यू कैन सी विद दिस, ठीक ना? तो इनर दिया है हमारा 4, आउटर पूछ रहा है, सुनिए का ध्यान से, आउटर इज 100 डिवाइड बाय 50, सो व्हाट इज अ P2, सर दिस इज 2 किलोमीटर. वेरी गुड, ठीक ना? फटाफट कर लो. बिल्कुल. नाउ Which of the following statement is not true for couplings? Coupling के लिए कौन सा statement सत्य नहीं है? फटाफट बताओ. फटाफट. Coupling के लिए कौन सा statement सत्य नहीं है? बताओ. जल्दी. डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कपलिंग? कपलिंग आर मेंट फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क. कपलिंग कीप द मेटिंग शाफ्ट इन अलाइनमेंट. ओके, वेरी गुड. कपलिंग आर यूज्ड इन शाफ्ट. कपलिंग करेक्ट पैरेलल शाफ्ट. गाइस, दिस इज नॉट ट्रू. सत्य नहीं है. कपलिंग करेक्ट पैरेलल शाफ्ट. ये थोड़ा सा गलत है. बिल्कुल. या डी इज राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिवाइस व्हिच परमिट द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ द शाफ्ट.
the device which connection or disconnection of the shaft, जिसमें connection और disconnection होता है shaft का, connection and disconnection of shaft, the device. What is the answer? Very good, very good, very good. That is clutch. That is clutch. Very good. Clutch is what, sir? A driver shaft hota hai, driven shaft hota hai, and there is some connection. There is some connection between this. Okay, so connect or disconnect? Connect or disconnect? Engage or disengage? The uniform pressure theory as compared to uniform wear theory gives. Uniform pressure theory as compared to uniform wear theory gives. What is the right answer, guys? Okay. Uniform pressure theory as compared to the uniform wear theory gives. क्या होगा? देखो एक चीज बताता हूं ध्यान से. Uniform pressure theory ना नई theory है. Uniform wear theory थोड़ी पुरानी theory है. ठीक है ना, नया थ्योरी है. या ग्रेटर, वेरी गुड. हाई फ्रिक्शनल टॉर्क होता क्या, मैं आपको बताता हूं. फॉर यूपीटी फ्रिक्शनल टॉर्क इज 2/3 म्यू डब्ल्यू आर. फॉर यूडब्ल्यू टी दिस इज द 1/2 म्यू डब्ल्यू आर. ठीक है ना, ध्यान रखना. सो माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस 1/2 एंड 2/3. सो दिस इज द हाई फ्रिक्शनल टॉर्क. वेरी गुड. या थैंक यू, थैंक यू जोई. द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज. व्हाट इज द आंसर? Give me the answer. The pressure distribution in the wear theory, uniform wear theory is. अरे बाबा अक्षय, very good. चलो इतना बड़ा क्वेश्चन लिख डाला. Yeah, some student says, sir. Directly proportional to the square of radius. Sanju says wrong. Sanju wrong. अभी बताया ना, for uniform wear theory you can see this P into R is equal to constant. So pressure is equal to C over R. So pressure inversely proportional to radius. See the right answer ना. When the friction lining is new, the wear varies. अगर फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू है तो वियर कैसे वेरी करेगा? फ्रिक्शन लाइनिंग अगर न्यू है तो वियर कैसे वेरी करेगा? फटाफट बताओ. व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू. अच्छा, फ्रिक्शन लाइनिंग नया है तो मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरे प्यारे भाइयों कि ये इस समय क्या है. अगर फ्रिक्शन लाइनिंग नया है तो ये है यूपीटी. If the frictional lining is new, so this is the UPT. And question बाद में फिर बोला the wear varies. अगर इसी lining में अगर कोई wear हुआ, तो ये धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? पुराना होने लगेगा. मतलब question किस पे है? Question है wear पे. तो wear कैसे varies करता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, UWT में जो load लगता है ना, कौन सा load? Sir, pressure. वो होता है inversely proportional to रेडियस. सो आंसर इज बी. ठीक ना, सो आंसर इज बी बेटा. बी फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू, दैट इज अ यूपीटी. फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू ना. यू कैन सी दिस ना, यही तो हुआ था. वियर कैसा होता है बेटा? वियर कहां आ गया? यूडब्ल्यू टी आ गया ना. ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following theory is used for the determination of torque quantities in cone clutch? कौन सी थ्योरी है जिसका यूज करके हम लोग टॉर्क क्वांटिटी निकालते हैं कोन क्लच के ऊपर? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म स्ट्रेन थ्योरी, यूनिफॉर्म स्ट्रेस थ्योरी, नन ऑफ दिस. कम ऑन गाइस, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. Which of the following theory is oblique are used for determination of the torque? Sorry. Sorry. I think मेरे सामने ये दिख रहा है, ठीक है ना. मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी मैं नाइन्थ की बात करता हूं, डोंट टेक टेंशन. पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं. Which of the following theory is oblique are used for determination of torque quantities in cone clutch? Uniform pressure theory, uniform strain theory, stress theory, and none of these. तबीयत अभी भी नासाज है. या सैम, यू कैन सी दिस, दीज क्वेश्चंस. ओके, मेरे फ्रंट स्क्रीन पर यही क्वेश्चन दिख रहा है. या यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, बिकॉज स्ट्रेन थ्योरी तो होती नहीं, स्ट्रेस थ्योरी तो होती नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं. सो दिस इज द यूपीटी, ठीक ना. लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट से सर कोन क्लच में तो बेस्ट होता है हमारा यूडब्ल्यूटी. यूडब्ल्यूटी इज बेस्ट, ठीक ना. बट हम यूपीटी भी लगा सकते हैं, डोंट टेक टेंशन. यूडब्ल्यूटी भी लगा सकते हैं, बट यूपीटी भी लगा सकते हैं. ओके, ओके गाइस, सो यू कैन सी दिस. क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ क्लच व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग गेट वॉर्न आउट? गाइस ध्यान रखना, जब फ्रिक्शन लाइनिंग वॉर्न आउट हो जाए, मतलब खराब हो जाए. पंकज स्टोन की पीडीएफ, ओके बेटा मैं देता हूं, डोंट टेक टेंशन. व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग गेट वॉर्न आउट, वॉर्न आउट हो जाए, फ्रिक्शन लाइनिंग गेट वॉर्न आउट, तो बेटा वॉर्न आउट मतलब खराब हो गया. जब खराब हो जाता है ना, तो वो थोड़ी पुरानी थ्योरी पे जाती है, दैट इज वियर थ्योरी, दैट इज वियर थ्योरी. चलो ना, द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इन द कॉनिकल क्लच एज पर UWTH. See this, torque transmission capacity in the conical clutch as per UWT. देखो मैं आपको समझा देता हूं. फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है ना, म्यू डब्ल्यू आर एम तो होता ही है, डिवाइड बाई साइन अल्फा हो जाता है अगर कोन क्लच की बात आती है तो. किसकी बात आती है तो? कोन क्लच की. ओके, और बात हो रही है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की. तो व्हाट इज द वियर थ्योरी? सर म्यू डब्ल्यू, what is the rm? sir r1 plus r2 divided by 2 into sin alpha. now what is the w? did you know what is the w? in the UWT theory, in the UWT, what is the w? anyone, any idea about this? sir hame w ko pressure ke form mein bhi likh sakte hain, bilkul likh sakte hain. तो W को P के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. ओके, सो वहां उसने P कंसीडर कर लिया. ओके, सो R1 R2 नहीं है यहां, इनके में D है, डाया. सो गाइस व्हाट इज द R? R इज द D by 2. ओके, सो कैपिटल D प्लस स्मॉल D
by 2 by 12 divided by 2 sin alpha. So frictional torque is mu p d plus small d divided by 2 to the 4 sin alpha. So I think you can get answer option number A. Option number A. Aha, Akshay, see this. Beta, kahan ja rahe ho? A is the right answer. Very good, Joey. Okay. Yes, Vicky. Now, which of the following is known as positive clutch? Kaun sa positive clutch hai? There is a two type of clutch. One is a positive clutch, second is a negative clutch. Agar positive hoga, there is a no slipping. If there is a negative clutch, there is a slipping chance will occur. Okay, so the answer is dog clutch. Dog clutch is a positive clutch. Single plate clutch, conical clutch, centrifugal clutch, all are negative clutch. Okay, so single plate clutch is what? Sir, this is the also called dry clutch. Multi plate clutch ko kya kehte hain? Wet clutch kehte hain, dhyan rakhna. Agar ye dry hai, to multi plate ko kya kahenge? वेट क्लच कहेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन सेज इन द डिस्क क्लच, द क्लच एक्ट एज ए डिस्क क्लच. इन डिस्क क्लच द क्लच एक्ट्स एज ए. कम ऑन, डिस्क क्लच. यू कैन सी दिस इन द डिस्क क्लच. इन द डिस्क क्लच, वेरी गुड. क्लच क्या होता है? यस, ड्रिवन मेंबर, वेरी गुड. देखो डिस्क क्लच जो होता है ना, ऐसे है क्लच. तो क्लच जो होता है बेटा, ये ड्रिवन मेंबर में लगाया जाता है, मतलब फ्लाईव्हील के जस्ट बाद. और ड्राइविंग मेंबर में लगता है क्या? गियर बॉक्स. नो 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 नो, यहां डब्ल्यू मतलब पी मतलब ये हो गया डब्ल्यू लोड है, पी भी लोड के रूप में आया है. मैंने यहां W लिया, यहां P जो है ना, ये भी एक लोड है. इसको चेंज नहीं किया, मींस W इक्वल टू P इक्वल टू लोड. इस क्वेश्चन के अनुसार P इज ए लोड. ओके अच्छा, मैंने इसको चेंज नहीं किया. अच्छा ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज एस आल्सो कंसीडर्ड एज द वेट क्लच. अभी अभी बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था. Which of the following clutch is also considered as the wet clutch? Wet clutch. Sir, this is the multi-plate 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 clutch. Which of the following clutch is also considered as the wet clutch? That is the multi-plate clutch. Now, which of the following statement is correct about the dry clutch?
Which of the following statement is correct about the dry clutch? Dry clutch बोले तो single plate clutch. Dry clutch बोले तो single plate clutch. सिंगल प्लेट क्लच के लिए क्या करेक्ट है? फटाफट देखो. सिंगल प्लेट क्लच कहां लगाया जाता है, कोई बताएगा मुझे? सर सिंगल प्लेट क्लच हैव अ ड्राई क्लच एंड दिस इज यूज्ड फॉर द वेरी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स. जो भारी वाहन होते हैं ना उसमें लगाया जाता है. हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो भारी वाहन होते हैं उसमें लगाया जाता है. तो चलिए इसको आप देख लेते हैं क्वेश्चन को. तो यहां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच. बिल्कुल सही बात है कि हीट डिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, इसीलिए तो इसको ड्राई क्लच बोलते हैं. रेट ऑफ वियर इज मोर इन ड्राई क्लच. बिल्कुल सही बात है कि अगर प्लेट टूटा ना तो सिंगल प्लेट है फटाफट टूट जाएगा क्योंकि एक प्लेट है. ड्राई क्लच है हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सही बात है. अब भाई सूखा है ड्राई है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई लुब्रिकेंट यूज नहीं कर रहा, तो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होगा. सो ऑल आर करेक्ट. नाउ 17th क्वेश्चन, यू कैन सी दिस. द आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू डैश. या ट्रक में यूज करते हैं. डैश शाफ्ट एंड इनर कोन एज डैश टू द सॉलिड टू द स्लाइड एक्सियल. कम ऑन गिव मी द आंसर. गिव मी द आंसर गाइज. हाँ हैवी मोटर व्हीकल्स. वेरी गुड. नो. सी दिस. होता क्या मैं आपको बताता हूं. आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच, यहां दो टाइप दो कोन मतलब दो सिरा होता है कोन क्लच का ऐसे. ठीक ना, आउटर कोन, दिस इज द आउटर कोन एंड दिस पार्ट इज द इनर कोन. इज की टू वॉट डैश इनर कोन इज की टू. गाइज इनर कोन ऑलवेज फ्री और क्लच होता है ड्राइविंग. ठीक है ना, जो ड्राइव करता है. ठीक है ना, सुनना ध्यान से. नो देर इज नॉट फिक्स. ऐसा होता है बेटा क्लच फ्री ही होगा, ये तो गारंटी है. क्लच फ्री हो गई. You can see with this. ठीक है ना, ये हमारा क्लच का पार्ट रहेगा. एक साइड फ्री होता है, एक साइड हमारा फिक्स होगा ड्राइविंग से. तो माय डियर फ्रेंड सी इज द राइट आंसर. या सी इज द राइट आंसर. ठीक ना, इनर कोट इज फ्री. Not fixed. Okay, so driving is right answer. Now, calculation of torque transfer conical clutch. किसके लिए? Conical clutch के लिए as per UPT. So, my dear friend, same frictional torque mu W Rm upon sine alpha. So, W की जगह क्या ले लेंगे? P ले लेंगे. UPT, what is the RM? Sir, what is the RM? Now, RM is nothing but that is the 2 by 3 R cube minus small r cube upon R square minus small r square. Okay, na, divided by sine alpha. So, you can say this. K
कैपिटल आर को हम लोग क्या करेंगे डी बाई टू कर सकते हैं बिल्कुल. सो यू कैन सी दिस 1 बाई टू का क्यूब, यहां भी स्मॉल डी बाई टू करेंगे, 1 बाई टू का क्यूब बाहर आएगा और यहां से 1 बाई टू का स्क्वायर बाहर आएगा. सो यू कैन सी दिस 2 बाई थ्री इंटू 1 बाई टू का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1. सो ये हो जाएगा, सॉरी ये इधर वाला पार्ट हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया. नाउ दैट इज म्यू पी डी का क्यूब माइनस डी का क्यूब स्मॉल डी का क्यूब अपॉन साइन अल्फा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ओके सो यू कैन सी दिस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा. ओके सो 1 बाई 3 इज कमिंग. सो फ्रिक्शनल टॉर्क इज नथिंग बट म्यू पी डी क्यूब माइनस डी क्यूब. वेट गाइज, मैं आपका अभी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैं देखता हूं, जस्ट अ सेकेंड मैं इस कंप्लीट करूं. ठीक है सो म्यू पी अपॉन 3 साइन अल्फा, ऑल ऑप्शन आर 3 साइन अल्फा. डी क्यूब माइनस डी क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ओके नाउ आई थिंक सी इज करेक्ट. या क्या पूछ रहा अक्षय से, आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर इज आर क्यूब बाई 3. या अक्षय यू आर राइट. यस विकी सी होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ब्लर दिख रहा क्या, यू कैन सी दिस, अब देखो अब भी दिख रहा. Is this okay? No. Which of the following theory is used in a design of clutch when the frictional lining are new? When the frictional lining are new, we know this. This is the UPT. Okay. Okay, which of me following is true about the top transmitting capacity of a conical clutch? Top transmitting capacity के रूप में हम किसको यहां देख पा रहे हैं? You can see with this. क्या होगा आंसर? वेरी गुड. या बेटा वी नो दिस फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू डब्ल्यू आर एम. मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, साइन अल्फा देख रहे हो ना, तो ये ए नहीं अल्फा है. So, inversely proportional to sine alpha. This is the right. Now, 21. Which of the following statement is correct about the wet clutch? Wet clutch mein kya correct hai? Guys, we know this. The wet clutch is nothing but this is the multi-plate clutch. Yeah, wet clutch is nothing but this is the multi-plate clutch, guys. एंड मल्टी प्लेट क्लच है तो यहां जाहिर सी बात है लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट. या लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट. सो माय डियर फ्रेंड यू कैन सी विद दिस कि इसका यूज हम लोग बाइक वगैरह में करेंगे बिल्कुल. सो गाइस यू कैन सी विद दिस तो हमारा क्या होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट.
Give me the correct. बिल्कुल हाँ 21 का बी अच्छा हीट डिसिपेशन इज इजियर ऑन वेट क्लच एज कंपेयर टू द ड्राई क्लच ओके ड्राई यहां लिख दो या बी इज राइट एंगेजमेंट ऑफ ड्राई क्लच इज स्मूथर नो भाई ड्राई क्लच में तो फ्रिक्शन होता है ऑल ऑप्शन तो कभी सही नहीं होगा भैया टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ वेट क्लच इज हायर देन ना 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 टॉर्क उसमें ज्यादा लगेगा जो बड़ा होगा और सिंगल प्लेट क्लच हमेशा बड़ा होता है मल्टीप्लेट क्लच बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जहां बाइक में यूज कर सकते हैं बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों मैंने क्लच पे बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो डाला हुआ है आप सर्च कर लेना क्लच टॉपिक बाय आलोक जान एकेडमी तो फटाफट आ जाएगा बिल्कुल आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लच के टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है ठीक है ना तो क्या करें इंक्रीजिंग द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी यूजिंग द फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल मटेरियल विद ए हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल सही बात है जब हम क्लच प्लेट लेते हैं तो वहां एक फ्रिक्शनल मटेरियल जो यूज करते हैं हाई कोफिशिएंट फ्रिक्शन का होना चाहिए इंक्रीज द प्लेट प्रेशर जाहिर सी बात है ज्यादा प्रेशर लगेगा तो टॉर्क ज्यादा लगा पाएंगे इंक्रीज द मीन रेडियस बड़ा होता जाएगा तो सही है तो आंसर नंबर डी इज राइट All, A, B, C, yeah, all. ठीक है ध्यान रखिएगा तो भाई पूछ रहा है जाहिर सी बात है क्लच में अगर टॉर्क की ट्रांसमिशन करानी है तो उसको इंक्रीज कैसे करते हैं सो फ्रिक्शनल मटेरियल का अगर मैं कह रहा हूं जैसे क्लच के आगे फ्रिक्शन प्लेट लगता है या आप कह सकते हो उस फ्रिक्शन प्लेट पे जो मटेरियल है उसका हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दे तो उसको पकड़ ग्रिप बना के अच्छे से घूमेगा ठीक ना तो टॉर्क ज्यादा लगेगा इंक्रीज करेगा प्लेट प्रेशर प्रेशर पे प्लेट प्रेशर प्लेट इंक्रीज करोगे या प्लेट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करोगे मेरे प्यारे भाई तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा और मीन रेडियस बढ़ाओगे तो बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लगेगा ठीक है ना नाउ द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल प्लेट क्लच इज कैलकुलेटेड गाइस लुक एट दिस दिस इज अ सिंगल प्लेट क्लच म्यू डब्ल्यू आर एम सो नहीं गाइस यू कैन सी दिस Rm is what, sir? R1 plus R2 divided by 2. अगर इसको रेडियस नहीं इसको डाया के फॉर्म में लिखें तो म्यू डब्ल्यू आर को डी बाई टू लिखते हैं यस सर सो कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई टू बाई टू एक टू पहले से ही नीचे है तो दिस इज डी बाई फोर या सो हमको पता है हम डब्ल्यू को पी लिखते हैं यहाँ डिवाइड बाई फोर कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी आई थिंक म्यू पी this is the pi this is not pi this is the mu mu p by 4 option number a is right option number a is right guys okay so that's over about the clutch clutch isi prakar se mera yahan khatam hota hai and that's all about the clutch clutch ka itna hi topic tha aapka so guys you can see the clutch and clutch mein jitne bhi type ke question aayenge aapko sirf क्या ध्यान रखना है कि अपना कॉन्सेप्ट पी आर बराबर कॉन्स्टेंट दूसरा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है एंड तीसरा इतना ध्यान रखना कि सिंगल प्लेट क्लच ड्राई क्लच होता है और मल्टी प्लेट क्लच लुब्रिकेंट होता है बहुत सारा प्लेट होता है तो बीच में हम लुब्रिकेंट डालते हैं इसलिए उसको हम वेट क्लच कहते हैं जहां लुब्रिकेंट डालते हैं इसलिए डालते हैं क्योंकि सस्पेंशन ज्यादा झेल सकता है बोले तो जैसे बाइक वगैरह में तो मल्टी प्लेट क्लच यूज करते हैं अगर बाइक में सिंगल प्लेट यूज करेंगे ना तो जैसे ब्रेकर के ऊपर से हम लोग बाइक उछालते लेकर चले जाते हैं इंडिया में इतने सारे ब्रेकर हैं अब हम लोग चलाते हैं बाइक तो हम लोग ब्रेकर नहीं देखते हम लोग उड़ाते हुए लेकर जाते हैं ठीक है ना तो मेरे प्यारे भाइयों इतने सारे जर्क लगता है कि सस्पेंशन होता है इतना जर्क होता है कि क्लच प्लेट टूट जाएगा ठीक है ना तो मेरे प्यारे भाइयों इसलिए मल्टी प्लेट क्लच लगाते हैं ताकि हमारा क्लच प्लेट बचा रहे ठीक है ना नो 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 नेक्स्ट टॉपिक इज शाफ्ट की एंड कपलिंग या Here the next topic that is the shaft key and coupling, and this is the last topic of machine design, and this is the last topic of the machine design, guys. So topic is over, but all machine design is not over. This is the last topic that is the shaft key and coupling. This is also a play a vital role in your UPPSC examination because this topic is relevant to the strength of material because shaft is a topic in strength of material.
एंड यू कैन सी द शाफ्ट डिजाइन. वी नो दिस कि शाफ्ट के डिजाइन में हम लोग को पता होना चाहिए टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा ओवर एल, प्योर टॉर्शन इक्वेशन पता होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलिए, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ये क्वेश्चन काफी टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं. मैं आपको इस क्वेश्चन के डीपीपी के रूप में दे रहा हूं, सो डोंट टेक टेंशन, आप परेशान मत हो. ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक ना, अलाइवल और क्रशिंग स्ट्रेस का आपस में रिलेशन है, देन वहां से थिकनेस पूछ रहा है. ओके गाइस, सो यू कैन सॉल्व दिस एंड सी द आंसर इज इक्वल. चलो अगला देखो. Which of the following key is under compression rather than being seared when under load? बताओ इसका. Come on guys, पहले का तो D होगा, दूसरे से बताओ. Give me the answer. Give me the answer, give me the answer, give me the answer, come on. Give me the answer. Very good. Birth key, birth key, birth key. Birth. या हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? या आवाज आ रही है ना सर? ऑल की एक्सप्लेन प्लीज. सी दिस सैडल की. देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं. अगर आपको मन कर रहा है, आपको इच्छा कर रही है यार एक बार पढ़ लेते हैं चल के, तो यू कैन सर्च शाफ्ट की एंड कपलिंग बाय आलूझा अन अकेडमी. ठीक है ना, बस आपको इतना ही सर्च करना है, ज्यादा नहीं. शाफ्ट की एंड कपलिंग बाय आलोक लाइव अन अकेडमी या आलोक झान अकेडमी, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. ठीक है ना, यू कैन सर्च दिस और आपको पूरा डिटेल मैनर में मैंने पढ़ाया बेटा, टेंशन मत लो. ठीक है ना, और रही बात तो दो टाइप का की होता है, मैं आपको बता देता हूं. एक होता है शंख की, एक होता है सैडल की. शंख की में क्या होता है, शाफ्ट और हब दोनों में होल होता है, बोले तो दोनों में की वेज होता है और उसके अंदर की डाला जाता है. ठीक है ना, और शेडल की में क्या होता है, साफ्ट में होता है, हब में नहीं होता. ठीक है ना, ओनली साफ्ट में की वेज होता है, वहां डाला जाता है. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. ओके, सो वेरी गुड योगेश, बहुत अच्छी बात है, आप ट्वेल्थ में हो, मिठाई बांटो बेटा. चलो, now shaft is the subjected to which of the following stresses? Shaft ke upar aur kya kya aa sakta hai? You can see this. Shaft ke upar aur kya kya aa sakta hai? Guys, hum padhte hain shaft ki jo designing complete karte hain beta, wahan padhte hain combined bending and twisting. Because this is the shaft. If this is the shaft, guys, look at this. I have a scale. That's like I have a shaft. In this shaft, we can apply some pulley, some gear. There is some load. यहाँ कुछ ना कुछ एक load होगा, जहाँ एक या तो pulley टंगा होगा या तो एक gear टंगा होगा, जिनका एक load act कर रहा होगा. Okay? So जिसके कारण ये क्या होगा, या तो ये bend होगा, ठीक ना?
ट्विस्टिंग होने के साथ 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 ये क्या होगा, एक बैंड होता जाएगा. सो यू कैन सी विद दिस ट्विस्टिंग प्लस बेंडिंग, ओके, बोथ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. सी इज द राइट आंसर. हो इसका फिगर नहीं है तो इसको हटाओ भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील की इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग इन फेलियर बाय सियर एंड क्रॉसिंग. कम ऑन, गिव मी द आंसर. Which of the following key is usually strong in failure by searing and crossing? Sir, I think आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि key का जो होता है shearing और crossing ये दो ही होता है. But कह रहा है कि कौन सा ऐसा key है जो usually strong होता है shearing और crossing में. Shearing और crossing में strong होता है. More and more strong होता है. Shearing और crushing. What is the shearing? Shearing is nothing but key एक अपने surface से displace हो जाए. और crushing मतलब दबा दे, उसको तोड़ दे. Which key? Sir, flat is wrong. Rectangle. एक side चौड़ा, एक side पतला. Guys, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, दिक्कत हो जाएगी. Square या circle में से होगा. सर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, सर्किल हुआ तो क्रसिंग आसान हो जाएगा, ठीक ना. सर्किल हुआ तो क्रसिंग आसान हो सकता है बिकॉज पॉइंट लोड होगा और क्रस बहुत आसानी से हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा और यहां से जब दबाया जाएगा तो क्रसिंग जो है ना पॉइंट लोड कारण दब के टूट जाएगा. दैट इज स्क्वायर इज राइट आंसर. इन द फ्लेंज कपलिंग द टू फ्लेंज आर कपल्ड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ बोल्टेड Bolt, sorry. Yeah. In a flange coupling, two flanges are coupled. दो फ्लेंज होते हैं आपस में कपल किए जाते हैं by means of the bolt. So fitted in. What is the answer? Bolt fitted in. Reamed hole, threaded hole, machined hole, या gasket hole. Reamed hole. Okay. Joy says reamed hole. Sir, you have a two option wrong. Sir, B and D is 50-50 में ये दोनों गया. आगे से मैं जब भी क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा तो मैं आपके सामने कुछ केबीसी के कुछ रूल डाल दूंगा. जैसे आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे 50-50, ask to expert में आप मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल, ठीक ना. मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, आपको क्लू दे सकता हूँ बिल्कुल. Now, आप 50-50 ऑप्शन तो यूज कर ही रहे हो, अभी भी वहां भी करोगे. Now, जनता का पोल लाइक हम आपसे पढ़ेंगे और आपका ही जवाब आप ही से कहेंगे, आप अपने हिसाब से. दैट लाइक अ जनता का पोल, जनता क्या कह रही है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज. ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग वहां रखेंगे. सो डोंट टेक टेंशन. एंड वहां एक और ऑप्शन होता था पास द क्वेश्चन, लेकिन हम पास नहीं करेंगे. नहीं ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पास नहीं होगा. सो व्हाट इज द आंसर गाइस? सो मैक्सिमम स्टूडेंट सेज सर थ्रेडेड होल. आहा, टू फ्लेंज कपलिंग गाइस, लुक एट दिस. अगर दो फ्लेंज कपलिंग है, देयर इज अ आई थिंक फ्लेंज कपलिंग को आप समझ सकते हो, ठीक है. फ्लेक्सिबल टाइप है बेटा, फ्लेंज है, ठीक ना. देयर इज अ टू फ्लेंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ द रीम्ड होल और थ्रेडेड होल. या अच्छा, आप लोगों ने कभी कंप्रेशन सुना है? कंप्रेशन कपलिंग कभी ऐसा? हाँ, नहीं तो एग्जाम का है. अच्छा, एग्जाम पास कर जाओगे. ओके, वेरी गुड. ओके, गुड जॉय. नाउ गाइस, लुक एट दिस. रीम्ड होल में ना आप लोग फ्लेंज कपलिंग के अंदर क्या करते हो? कपलिंग के अंदर बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कपलिंग के अंदर हम या तो देखो रीम्ड होल भी करते हैं, थ्रेडेड होल भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं करते. आपको यहाँ जितने चार ऑप्शन दिए ना, आप चारों ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन अलग अलग रीम्डिंग में, अलग अलग कपलिंग में अलग अलग होल होता है. नाउ अगर मैं कहता हूँ कंप्रेशन कपलिंग, सो माय डियर फ्रेंड, टू प्लेट्स आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड देयर गेट सम थ्रेड, और यहाँ हम क्या करते हैं, नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है ना. यू कैन सी दिस.
नट बोल्ट हम यहाँ क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ थ्रेडेड होल भी हो सकता है, बट थ्रेडेड होल क्या होगा, थ्रेडेड होल कहा क्या जाता है, जहां हम हो रिजिड कपलिंग, जहां हो रिजिड कपलिंग। मदन यू कैन सी दिस, मदन यू कैन सी दिस, दिस इज रिजिड कपलिंग। थ्रेडेड होल जैसे कंप्रेशन कपलिंग आपने सुना होगा, कंप्रेशन कपलिंग। सो ऐसे जगह हम लोग करते हैं थ्रेडेड होल, थ्रेडेड होल करके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। ओके, बट दिस क्वेश्चन इज अ फ्लेंज कपलिंग, ठीक है ना। फ्लेंज कपलिंग में भी हम लोग नट बोल्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। बट माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस, फ्लेंज कपलिंग में ना हम लोग पहले देखेंगे, फ्लेंज कपलिंग जब हम लोग करते हैं, देयर इज अ टू टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग, आई थिंक आपको पता हो, ठीक है ना। दो टाइप का फ्लेंज कपलिंग है, ठीक है ना। और कपलिंग के मामले में अगर फ्लेंज कपलिंग को देखें ना, तो भाई वहां हमको देखने को मिलता है मफ कपलिंग, आपको शायद पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक नट लगाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड रीम्ड होल नहीं होगा, ठीक है ना। रीम्ड होल जो होता है ना, रीम्ड होल रीमिंग करके एक होल क्रिएट कर देना, दिस इज रॉन्ग आई थिंक, ठीक है ना। सो आई थिंक ए इज द रॉन्ग आंसर, सो दिस इज द सी इज द राइट आंसर। ओके, इन अ फ्लेंज कपलिंग ऑल्सो हैव अ नट एंड बोल्ट, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, ऐसा नहीं है कि रीम होल नहीं करते, रीमिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे कपलिंग है, मशीन होल्ड भी करते हैं, गैस्केट होल्ड भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। द स्लीव और मफ कपलिंग यू कैन सी दिस, इस डिजाइन एज या जो इसे इज राइट कवर और अनकवर टाइप, वेरी गुड। यस मानवेंद्र, स्लीव कपलिंग, स्लीव और मफ कपलिंग यू कैन सी दिस, इज डिजाइंड एज थिन वेसल, थिक वेसल, सॉलिड सॉलिड साफ्ट, हॉलो साफ्ट। सॉलिड साफ्ट, हॉलो साफ्ट, या हॉलो। स्लीव और मफ कपलिंग, गाइस लुक एट दिस, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीपीएससी में, ठीक है ना। देखना ध्यान से, हॉलो साफ्ट हम लोग देखने को मिलता है, देखिए इसी को ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन आ गया अगला, मेटल टू मेटल ज्वाइंट, यू कैन सी दिस, मेटल टू मेटल ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू, कम ऑन, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अरे बाबा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेटल टू मेटल ज्वाइंट इज यूज फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू थिन वेसल, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, सर्व वाइब्रेशन, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मेटल से मेटल का कनेक्शन कब हो सकता है, जब वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ हो। टेम्परेचर तो होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन ना लो। Which of the following key transmit power through the frictional resistance? गाइस तो frictional resistance का मतलब ये है ना, जैसे मान लो एक शाफ्ट है, अब यहाँ ये शाफ्ट है और ये क्या हमारा हब है, दिस इज द हब, दिस इज द शाफ्ट। ओके नाउ, अब शाफ्ट के अंदर क्या किया, शाफ्ट के अंदर क्या किया है बच्चा, ध्यान से देखो, यहां एक हमने क्या कर दिया, स्लॉट कट कर दिया, ठीक है ना। शाफ्ट के अंदर एक स्लॉट कट कर दिया, लेकिन हब में कोई स्लॉट नहीं कट, देयर इज नो स्लॉट कट। ओके,
सो होगा क्या, साफ्ट और हब के बीच में ये क्या आ गया, यहां आएगा, यहां आ जाएगा की। ओके तो होगा क्या कि ये की जो है ना ऊपर जाकर क्या करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा जो की होता है दैट इज सैडल की, जहां फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात आए वह हब में नहीं होता है, बिल्कुल सैडल की जो होता है वहां साफ्ट के अंदर की होता है। ओके तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल सरफेस रेजिस्ट होता है। द की विल फेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, आई थिंक या ये मिस था, या द की विल फेल इन द फॉलोइंग विच ऑफ द मैनर, की कैसे फेल होता है, कम ऑन गिव मी द आंसर। सर की शेयरिंग में भी फेल होता है और क्रशिंग में भी फेल होता है, सो द आंसर नंबर सी, क्रशिंग एंड शेयरिंग बोथ, शेयरिंग एंड क्रशिंग बोथ 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 बोथ। सो गाइस यू कैन सी दिस, शेयरिंग और क्रशिंग ये दोनों में की हमारा क्या होता है बेटा, फेल हो जाता है, ध्यान से। Very good. Now the next feather key are generally, what is the answer number, question number 11, then अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर करना जरा, इस क्वेश्चन का आंसर करना फटाफट। The power P is related to diameter D and N. So power directly proportional to N D cube. याद आया, पढ़ाया था मैंने, yes अक्षय, देखो 14th का ये पढ़ाया था, याद है, power, power is related to diameter. ND cube करते हैं, yes, which is the correct option for the stress experienced by the shaft when the power transmission in the shaft takes place through the gear. See this question is which is correct option, correct कौन सा option correct है for stress, for the stress experienced by the shaft, shaft जो experience करता है stress को, when the power transmission in the shaft takes place through the gear, gear के through shaft के अंदर power transmission हो रहा है, तो stress क्या समझ में आएगा, तो क्या क्या हो सकता है भाई shaft के अंदर मेरे प्यारे भाइयों, bending और twisting दोनों हो सकता है। So guys, गियर अगर लगा है तो आई थिंक गियर का एक वेट होगा जिसके कारण हमारी बेंडिंग भी होगी और ट्विस्टिंग भी होगी। सो माय डियर फ्रेंड क्या होगा जरा बताओ मुझे, शाफ्ट स्ट्रेस विच ऑफ द, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द शाफ्ट व्हेन द पावर ट्रांसमिशन इन द शाफ्ट टेक्स प्लेस थ्रू द गियर। यस माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस, हमारा शाफ्ट जो है ना वो कांस्टेंट टॉर्शन से घूमेगा, बट गियर के लोड के कारण ना ये क्या करेगा, वेरी करेगा, बेंडिंग, बेंडिंग क्या करेगा, बार 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 वेरी करेगा, समझ में आया। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज राइट, या ऑप्शन नंबर ए इज राइट डियर, वेरिंग बेंडिंग एंड कॉन्स्टेंट टॉर्शन, टॉर्क तो वही लगेगा शाफ्ट को, शाफ्ट को घुमाने के लिए जितना लगा है, बट वो घूमते 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 अपने आप बेंड होना शुरू होगा। So you can see this, ठीक है, ध्यान रखिएगा। A key made from a cylindrical disc having segmental cross section is known as, cylindrical disc का बना है और segmental cross section है उसका, तो ऐसे की को हम जो क्या कहेंगे, yes speed increase or the torsion increase, yeah you are right, a key made from a cylindrical disc having segment cross section
is known as cylindrical disc having segmental cross section. Yeah, Woodruff key is the right answer. Why Woodruff key? Because sir, segmental cross section, एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है ठीक है. सो दिस इज द वुडरफ, दिस इज द वुडरफ की. ओके या हाफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल डिस्क की तरह और सेगमेंट है क्रॉस सेक्शन का कुछ ऐसा, दैट इज द वुडरफ. नाउ फेदर की आर जनरली, जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ. हेलो त्रिपाठी जी, हाउ आर यू? अरे त्रिपाठी जी कहां रह गए थे आप इतनी देर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब काफी अच्छे अच्छे सिंबल्स भेज भेज के आप लोग पूरा मनोरंजन कर देते हो. जोई सेज वुडरप पे जोई भेज रहे हैं हाफ, वेरी गुड. नाउ 11B, ओके, फिदर की इज लूज इन सॉफ्ट एंड टाइट इन हब. एनीवन? I think it should be B. I think. But anyone? It's C. Achha. Give me the answer. क्या होगा? फेदर की जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, फेदर की टाइट होगा सॉफ्ट में और लूज होगा हब में, ध्यान रखना. तो टाइट होगा सॉफ्ट में और लूज होगा हब में. सो आंसर नंबर ए, टाइट इन सॉफ्ट लूज इन हब. या फेदर की टाइट इन सॉफ्ट एंड लूज इन हब. फेदर की जो होता है हमारा सॉफ्ट के अंदर क्या होता है, टाइट होता है, और हब में क्या होता है बेटा, लूज होता है, ध्यान रखिएगा. ओके इज दैट क्लियर? इस की को देखा है आपने, एक ऐसा डायग्राम देखा होगा. ठीक है ना, ऐसा देखा होगा. दिस इज द फेदर की. ओके सो गाइज यू कैन सी विद दिस, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो. सॉफ्ट में टाइट होता है और हब में लूज होता है, ध्यान रखना. सो गाइज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट टोम
ऑलमोस्ट कंप्लीट, 50 क्वेश्चन रह रहा है, वो कल सुबह 11 बजे 11 AM स्पेशल क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद बच रहा मशीन डिजाइन कंप्लीट, फुल कंप्लीट। नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4:30 PM टुमारो कंप्लीट, ठीक है ना, यहां हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। ओके, देन मैंने आपको बता दिया था हिंदी और जीएस का जुगाड़ आप लोग को दे दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो गाइस प्लीज फोकस, ठीक है ना, कल 4:30 बजे की क्लास के बाद आपके पास 5 या 6 घंटे बचेंगे, उसके बाद आप आराम कर लीजिएगा, ठीक है ना। थर्मल सीरीज पे पूरा फोकस रखिएगा ध्यान से। पेपर इज संडे, टुमारो इज लास्ट डे फॉर प्रिपरेशन फॉर यूपीपीएससी, कल लास्ट डे है यूपीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के लिए। ओके, सो पेपर हमारा संडे को है, सो आई थिंक आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, थर्मल पे भी हम लोग फोकस कर लीजिएगा, फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, खत्म करिएगा। ओके गाइज, सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन तो आप हमारे जुड़ सकते हैं साथ, ठीक है, यूजिंग द कोड आलोक लाइव, वहां आपको मैं फायदे बता देता हूँ गाइज, यू कैन सी विद दिस, आपको मिलता है लाइव क्लास आपके फेवरेट एजुकेटर का, डाउट सॉल्विंग सेशन गाइस, डाउट सॉल्विंग सेशन एवरी फोर्थ क्लास, डाउट सॉल्विंग सेशन, एंड वीकली टेस्ट, यू कैन सी दिस वीकली टेस्ट हर 7वें दिन पे होता है जो कि यूट्यूब पॉसिबल नहीं है, बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स एट द एंड ऑफ सिलेबस, ये सारी चीजें मिलती है प्लस पे। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आइकॉनिक तो आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल एक्ट लाइक एज सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स। नाउ इसके बाद मिलेगा स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ होगा विथ प्लस, प्लस के साथ होगा आइकॉनिक के अंदर। सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आइकॉनिक तो आप आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक फायदा है पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, ठीक है। और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड गाइज यू कैन सी दिस पिक ए गोल गेट एंड ESE, आप गोल पिक कर सकते हैं एंड क्लिक द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, देन उसके बाद यू हैव अ चूज टू 12 मंथ प्लान, 18 मंथ प्लान, 24 मंथ प्लान फॉर द प्लस, प्लस यूजर्स यू कैन चूज विद दिस, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ प्लान इन द प्लस, सो फीस इज 27,000, 34,000 एंड 39,000, यू कैन चूज एनी ऑप्शन, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। रीजन ये कि बेटा जहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो वहां सही चीज सही तरीके से लो, क्योंकि बेटा 24 मंथ जो है ना ये सफिशियंट है, आप आज से तैयारी करना शुरू करोगे क्या गारंटी आपका 8 महीने 9 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में 2-3 एग्जाम में कई सारे बच्चे 2-3 एग्जाम फेल होते हैं, देन उसके बाद सक्सेस मिलनी चालू होती है, तो गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ 24 मंथ इज अ बेस्ट। ओके, अगर आप ले रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा और ज्यादा नहीं सोचना, आप 34,000 तक दोगे, 39 कर लो, आराम से हो जाएगा, क्वाइन लगाओगे अपने आप कम हो जाएगा बेटा, क्वाइन वगैरह भी यूज हो जाएगा, EMI कर लो सबसे बेस्ट, 1650 रुपए सबसे सस्ता। ओके, इफ यू वांट टू ज्वाइन आइकॉनिक सो मेरे प्यारे भाइयों, यू हैव 12 मंथ प्लान एंड 24 मंथ प्लान, 12 महीने और 24 महीने है ऑप्शन में। ओके, सो आलोक लाइव रेफरल कोड यूज करो और फटाफट जुड़ जाओ, थोड़ा सा फीस ज्यादा माय डियर, फीस इसलिए ज्यादा क्योंकि बेनिफिट बहुत ज्यादा है, सो माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस, अगर बेनिफिट इतना ज्यादा है सो जुड़ने में फायदा है, सो इसलिए मैं कह रहा हूं। एंड गाइस दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो यू कैन सर्च आलोक लाइव, टेलीग्राम पे आप जाओ मुझे सर्च करो आलोक लाइव के नाम से। ओके, एंड दिस इज द इंडियास नंबर 1 स्टडी चैनल गाइस। ओके, एंड आप इस समय अनअकैडमी गेट MEP XE पे हो और हम बवाल मचाते हैं अनअकैडमी गेट MEP XE पे,
और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना मेरे प्यारे भाई। ओके सो गाइज थैंक यू सो मच एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टुमारो मॉर्निंग 8:45 पे कल सुबह 8:45 पे टुमारो मॉर्निंग 8:45 AM विल मीट ओवर द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन एंजॉय गाइस, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।